Hi guys, back to my और आज की वीडियो में ये काफी है एंड आई थिंक इसका ऑडिट औलत भी मिलता है आप देख लीजिएगा मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी सो so अब हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पीची बेज कलर में आई थिंक कैमरा उतना अच्छे से इसको पिकअप नहीं कर पा रहा है कैमरे पे आपको शायद ये व्हाइट लग रहा होगा बट ये पीची या बेज काइंड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स है एंड इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक दैट इज मिनिमिलिस्टिकॉट अगेन आई लाइक अबाउट इट इट्स रिटर्न सी एंड यहाँ पे ऑदर परफॉर्म एंड जॉर्जो अमानी के जो लोगो होते हैं वो लिखे हुए हैं और ये मेरे पास जो है ये हंड्रेड एम का है दैट इज थ्री पॉइंट फोर फ्लू डांसेस और इसकी मैं पैकेजिंग आपको दिखा दू या मैंने अभी तक इसको काइंड ऑफ अनरैप नहीं किया है आई ऑलवेज पुट इट पुट द परफ्यूम आफ्टर यूजिंग इन साइड द बॉक्स मुझे बहुत प्यार है इस परफ्यूम से आप जैसे कि देख सकते हैं ऐसे हैं तो अब मैं इसको आपको ओपन करके इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ। मैंने जैसे इसको ओपन किया इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज्यादा अच्छी है और काफी स्ट्रॉन्ग है नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस इसकी स्ट्रांग बहुत अच्छी है आई मीन स्मेल बहुत स्ट्रांग है सॉरी फॉर माई टंग ट्विस्टर्स सो इसको जब आप ओपन करते हो ये ब्लैक बाहर से तो ये बीच या पीच कलर का है बट अंदर से ये ब्लैक है और या यू डू गेट दिस काइंड ऑफ स्टॉपर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इन विथ रेस्पेक्ट टू परफ्यूम्स देन आई जस्ट शो यू यस ओके मैंने इसको उल्टा पकड़ लिया है सो दिस इज द प्रोडक्ट और इसकी जो पैकेजिंग है अगेन मैं बोलूँगी काफ़ी एलिगेंट है क्लासी है और प्रिटी है और ये आपको अगेन सी थ्रू मटेरियल पर मिलेगा इसकी ग्लास जो है वो काफ़ी सी थ्रू है और ये काफ़ी थिक ग्लास है ऐसे चिप तो होना नहीं चाहिए बट अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो मेक श्योर sure कि आप इसको अच्छे से क्वेश्चन कर लें और इसकी जो कैप है उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ इट लुक्स लाइक अ पेबल एंड इट्स अगेन वेरी हैवी यू नो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है इसका कैप जो है सॉरी गाइज मुझे कॉल आ गया था यू you नो know, उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई सो so, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसकी पैकेजिंग में इसका जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो मुझे इसका कैप लगता है ये काफ़ी स्टडी तो है ही और साथ में लुक भी इसकी काफ़ी अच्छी आती है आप इसको ड्रेसअप पे रख सकते हो एंड इट विल लुक वेरी ब्यूटिफुल और जब इसको मैं ओपन करती हूँ तो इसकी जो नोजल है वो भी काफ़ी अच्छी है ये ब्लैक और जो सी थ्रू मटेरियल है ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे को आप देख सकते हैं इफ़ द कैमरा कैन फोकस या इट्स फोकसिंग सो ये है और इसकी नोजल इधर दी हुई है इसकी नोजल काफ़ी मुझे अच्छी लगी आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर ब्रांड्स के जो परफ्यूम्स के नोजल होते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है इन सेंस कि ये काफ़ी कम अमाउंट आपको लगता है और इसकी स्प्रे बहुत अच्छी होती है ना ज़्यादा ना कम सो यू वुड लव यूजिंग दिस काइंड स्प्रेज सो इसके जो भी डिटेल्स होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी एज आई mentioned और अब मैं इसको इसकी जो फ्रेग्रेंस है उसके बारे में आपको बताती हूँ इसकी जो फ्रेगरेंस है आफ्टर स्निफिंग मुझे ये काफी फ्रेश और फ्लोरल फ्लोरल इन सेंस ज़्यादातर मुझे लगता है कि इसमें रोज है और इसमें थोड़ा सा मस्क भी है थोड़ा सा वो वुडी स्मेल इफ यू आर इन टू परफ्यूम्स यू वुड श्योरली नो द काइंड ऑफ स्मेल आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट सो थोड़ा सा फ्लोरल है थोड़ा सा वुडी है और फ्रेश भी है तो आई थिंक मेजोरिटी लोगों को शायद ये पसंद आएंगी बिकॉज इसमें तीन डिफरेंट तरह के स्मेल्स uh, है जो शायद कॉमनली बहुत लोगों को पसंद आ सकते हैं और इसकी जो नोट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर आपको दे दूंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और अगर मैं इसको आपको बोलूँ कि कब तक ये आप यूज़ कर सकते हैं तो आई थिंक ये आपको इजीली एट टू नाइन आवर्स या आई हैव यूज इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड मैंने इसको मोस्टली समर्स में यूज़ किया है विंटर्स में तो अभी तक मैंने किया नहीं है सो आई आई कैंट टेल यू अबाउट द विंटर टेंग पावर आई थिंक उससे ज़्यादा ही होगा अगर समर्स में ये आपको एट टू नाइन आवर्स रह पा रहा है सो फॉर विंटर्स आई थिंक इट विल ईजीली गो अप टू इलेवन टू ट्वेल्व आवर्स या फिर एक दिन भी जा सकता है सो so आप इसको पहन सकते हो एज अ डे परफ्यूम आई वुड सजेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ये सटल है ये बहुत सारे परफ्यूम्स होते जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते तो आप डे टाइम पे वेयर नहीं कर सकते हो या ऑफिस में वेयर नहीं कर सकते हो सो दिस इज क्वाइट सटल आप इसको डे टाइम में वेयर कर सकते हो ऑफिस में वेयर कर सकते हो आप पार्टी जा रहे हो डे टाइम पे वहां पे भी ब्रंच पे भी आप जा सकते हो तो वहां पे भी सो इट्स मोर डे टाइम अप्रोप्रिएट परफ्यूम आई वुड से ऐसा नहीं होता है कि आप रात को नहीं वेयर कर सकते हो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर सराउंडिंग आप किस इवेंट में कहाँ जा रहे हो किस सिचुएशन पे हो सो इफ यू आस्क मी आई वुड प्रेफर वेयरिंग इट इन डे टाइम सो दिस वॉज माई वीडियो रिगार्डिंग जॉर्ज अमानी सी ऑर द और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बहुत अच्छी लगी हो आप प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो एंड ऑल्सो कीप लविंग योर सेल्फ एज आई मैंशन और रही बात मेरी वीडियोज़ की तो आगे आप देखते रहिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग परफ्यूम रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली है Until then, keep on watching. Thanks for watching, guys.